शिव आदि योगी हैं, आदि गुरु हैं, वो परम पिता हैं, वो शून्य से परे हैं, देवों के देव महादेव ब्रह्मांड के रचयिता हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ महादेव के उस पवित्र धाम की सैर पर, जहाँ की ये मान्यता है कि ये वो पहला मंदिर है जहाँ शिवलिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले शुरू हुई। हमारे सफर की शुरुआत हुई नोएडा से। मुरादाबाद, रामपुर, बाजपुर और नैनीताल होते हुए हम अल्मोड़ा पहुंच गए। यहां से जब तक हम जागेश्वर पहुंच रहे हैं, तब तक आपको कुछ जानकारी बता देते हैं। अल्मोड़ा से जागेश्वर करीब 40 किलोमीटर पड़ता है। ट्रेन से आने के लिए आपको काठगोदाम आना होगा और वहां से बस या टैक्सी लेकर यहाँ आ सकते हैं। दिल्ली से जागेश्वर करीब 400 किलोमीटर पड़ता है, जहां से आपको अल्मोड़ा के लिए सीधी बस भी मिल जाएगी। पंत नगर एयरपोर्ट से जागेश्वर करीब 150 किलोमीटर दूर है। अल्मोड़ा से जागेश्वर तक का रास्ता काफी मनमोहक है। मंदिर के मेन गेट पर पहुंचने के बाद हमने अपनी बाइक रानी को साइड में लगाया और चल पड़े महादेव की तरफ। महादेव से मिलने को मैं इतना बेताब हो रहा था कि पिछली रात ठीक से सो भी नहीं पाया। जब हम आगे बढ़े तो देखा कि मंदिर के गेट पर कोविड की गाइडलाइंस लिखी हुई थी। हमने अपने जूते उतारे, हाथ धोए और आगे बढ़ चले। इन मंदिरों को देखकर मैं भाव विभोर हो गया, बहुत ही इमोशनल हो गया। मंदिर में गया, महादेव को साक्षात दंडवत प्रणाम किया और खुद को उन्हें सौंप दिया। दर्शन करने के बाद आगे बढ़ा तो देखा कि मंदिर के प्रांगण में हवन हो रहा था, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा था। हमने भी पंडित जी से इसकी थोड़ी जानकारी ले ली। अभी हम आ चुके हैं जागेश्वर धाम मंदिर में। तो अभी हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पूजा चल रही है रुद्र अभिषेक। तो इसमें इन्होंने बताया है पंडित जी ने कि अगर 500 रुपये, मतलब 551 रुपये आपको देने होते हैं रुद्र अभिषेक के, और 600 रुपये का सामान आता है और दान दक्षिणा आपकी होती है। तो यहाँ पर आसानी से आकर आप रुद्र अभिषेक करा सकते हैं, जो कि मतलब बहुत पवित्र माना जाता है। शंकर जी की पूजा होती है बाकायदा, बहुत अच्छे से होती है। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी जोरों से तैयारी चल रही है। जागेश्वर धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है। ऋग्वेद में नागेशम द्वारिका बने के नाम से इसका उल्लेख भी मिलता है। तो वहीं ये भी कहा जाता है कि जागेश्वर के शिवलिंग की जगह द्वारिकापुरी के पास के नागेश्वर को ज्योतिर्लिंग माना गया है। अब सच क्या है, मुझे तो इसके विवाद में पड़ना नहीं है। जो मान्यताएं हैं वो मैंने आपको बता दी। जागेश्वर का इतिहास बताता है कि 8वीं और 10वीं शताब्दी में कत्यूरी और चंद राजाओं ने इसे बनवाया था। जिस वक्त में मंदिर बना, उस वक्त को भारतीय पुरातत्व विभाग ने 3 कालों में बांटा है। पहला कत्यूरी काल, दूसरा उत्तर कत्यूरी काल और तीसरा चंद्रकाल। देवदार के जंगलों के बीच में बसे उत्तराखंड के सबसे बड़े मंदिर समूह को यहाँ का 5वां धाम भी कहा जाता है। केदारनाथ शैली में बने इस मंदिर समूह में करीब 125 मंदिर हैं, जिसमें माता पार्वती, हनुमान जी, मृत्युंजय महादेव, काल भैरव, केदारनाथ और दुर्गा मंदिर प्रमुख हैं। मेन मंदिर महामृत्युंजय शिव का है। ये मंदिर सबसे बड़ा और सबसे पुराना भी है। इसके अलावा इसके पास ही पड़ता है दंडेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ दर्शन करने के बाद हम अगले सफर की तरफ चल पड़े। सच में महादेव से मिलकर जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून इस दुनिया के बंधन में नहीं, इस मोह माया में नहीं। जिंदगी में कभी सुकून की तलाश हो तो यहाँ जरूर आ जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय शिव शंभू।